आज नगर बनखेड़ी में शुक्रवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में आने वाली लोगों की भीड़ को देखते हुए बनखेड़ी के राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान बनखेड़ी के तहसीलदार राजीव कहार, CMO संतोष रघुवंशी, थाना प्रभारी अनूप सिंह नैन अपने विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ बाजार में उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने लोगों को एहतियात रखने के लिए भी कहा। साथ ही बनखेड़ी के तहसीलदार राजीव कहार ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान समय में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सभी लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, जिससे कि प्रशासन को लोगों के साथ मास्क नहीं लगाने पर चालान जैसी कार्रवाई करनी पड़े। देखिए, कोरोना की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है और कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। दिन प्रतिदिन कोरोना के संक्रमित रोग हम लोगों को मिल रहे हैं और इस समय इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। उसकी रोकथाम और संक्रमण के बचाव के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और हम देख रहे हैं कि शहर के आम नागरिक, व्यापारी बंधु, गणमान्य नागरिक आदि सभी से अपेक्षा है कि भाई मास्क से बिल्कुल परहेज नहीं करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और ये कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोकथाम करना सुनिश्चित करें। इसी तारतम्य में प्रशासन बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए काफ़ी चिंतित हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस प्रशासन और हम और नगरपालिका प्रशासन द्वारा जो मास्क नहीं लगाए हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको मास्क लगाने की समझाइश दे रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए। जो और जो नहीं मान रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बड़े प्रभावी ढंग से इस कार्रवाई को करेंगे ताकि कोरोना के संक्रमण पर हम रोकथाम कर सकें और उससे बचाव के साधन निकाल सकें। सर, ये चालानी कार्रवाई आज मार्केट के दिन ही है या रोज लगभग? नहीं, डेली चल रही है ये चालानी कार्रवाई हमारी, लगभग डेली चल रही है, प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम लगभग। लेकिन आज यद्यपि मार्केट का डे है और बहुत संख्या में लोग भाग आए हुए हैं तो निश्चित रूप से जहां भीड़ होती है वहां संक्रमण की ज़्यादा उम्मीद होती है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे और सभी समाज से, आम नागरिकों से, गणमान्य नागरिकों से और व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करेंगे, अपेक्षा करेंगे, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें, सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। पूरा का पूरा विश्व जहां वर्तमान समय में COVID-19 महामारी के संकट से जूझ रहा है, वहीं अभी भी लोगों में इस महामारी के प्रति जागरूकता की कितनी कमी है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उन लोगों को देखकर जो लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बावजूद भी अपने छोटे बच्चों के साथ घर से बाहर निकले, वो भी बिना मास्क के। हालाँकि उन्हें चालानी कार्रवाई में जुर्माना ज़रूर भरना पड़ा। आप बच्चे के साथ निकले हैं, अभी आप पर चालानी कार्रवाई हुई है, आपको ज्ञात नहीं है मास्क कितना अनिवार्य है वर्तमान समय में? जी। क्यों बरती जा रही है लापरवाही? फिर ये ले लेंगे अभी। आप ले लेंगे? जी सर। चलिए, धन्यवाद। प्रशासन के साथ हम भी आप सभी से ये गुजारिश करते हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। मास्क ना सिर्फ हमें कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचाता है बल्कि वातावरण में उपस्थित अन्य प्रदूषणों से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसीलिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें।